हाय स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट प्रॉब्लम। टॉपिक है अपना सेम, एडमिशन ऑफ पार्टनर। द बैलेंस शीट ऑफ दीपक एंड संदीप एज ऑन 31 मार्च 2012 इज एज अंडर। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो रेशियो दिया है यहाँ पे 2:1, दैट इज कॉल्ड रेशियो। नेम ऑफ द पार्टनर दीपक एंड संदीप। ओके, सी द बैलेंस शीट। इन लाइबिलिटी साइड कैपिटल बैलेंस इज गिवन, जनरल रिजर्व गिवन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेड गिवन। इन एसेट साइड देर आर बिल रिसेबल, मशीनरी, लूज शूज, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। एंड फर्स्ट टाइम हमारे प्रॉब्लम में एसेट साइड में आया है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ऑफ बैलेंस। तो एसेट साइड में कितनी स्टेप हो जाएगी आप भी रिवाइज कर सकते हो। पहला स्टेप कैश बैंक का, दूसरा स्टेप रिमेनिंग असेट्स का, और तीसरा स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस का। लास्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में आएगा तो कहां पे लेके जाना है। तो मैं वापिस डिस्कस करूंगा अभी, जो भी पोस्टिंग करेंगे तब। कैपिटल्स बैलेंस दिए यहाँ पे, जनरल रिजर्व दिया है और क्रेडिट एंड बिल्स पेबल। तो पहली स्टेप कैपिटल, देन रिजर्व, एंड देन थर्ड वन रिमेनिंग लायबिलिटीज। इस तरह से बैलेंस शीट पोस्ट हमें करना पड़ेगा। ऑन 1 अप्रैल 2012 द डिसाइड टू एडमिट शंकर, देयर इज न्यू पार्टनर जिसका नाम है शंकर, एज अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अभी एडजस्टमेंट्स क्या दिए देखेंगे। शंकर इज टू ब्रिंग ₹6,000 एज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल। वो कैपिटल कितना ला रहा है 6,000, गुडविल कितना ला रहा है 3,000, यानी नया पार्टनर गुडविल ला रहा है। इसका मतलब हमें केस वन देखना पड़ेगा गुडविल का, ठीक है। विच इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, ओके। ही विल बी एंटाइटल वन फोर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ओके। तो गुडविल आ रहा है और वैसे के वैसे रिटेन हो रहा है बिजनेस में, यानी कोई लेके नहीं जा रहा है, ठीक है। 50% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी रिटेन एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अभी जनरल रिजर्व आपको 12,000 देने थे, बट वो यहां पे एडजस्टमेंट बता रहा है कि आप ओनली 50% ही दे सकते हैं, यानी 6,000। बाकी के 6,000 का क्या? बाकी के 6,000 आरडीडी है जो डेटर में डायरेक्टली लेस करके ले लो 6,000, ओके। तो डेटर की अमाउंट मुझे 30 नहीं लिखनी है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 24,000 लेस करने के बाद आएगी। तो ये आप एडजस्टमेंट समझ लो कि ये डायरेक्टली यहाँ पे बाकी अदर पोस्टिंग कुछ नहीं आएगा, यहीं पे एडजस्ट करना है। 50% जो है जनरल रिजर्व का वो आरडीडी है, तो 12,000 का 50 मतलब आधा हो गया हो तो 6,000 आएगा, और वो 6,000 जो बचा है आरडीडी बनने वाला है, वो आरडीडी डायरेक्टली डेटर में लेस करेंगे। 6,000 आएगा 24,000, जो हमें 24,000 डेटर्स में लिखना है। तो ये एडजस्टमेंट आपकी ऐसे ही हो गई, आपको वो कुछ करने की जरूरत नहीं है सेकेंड एडजस्टमेंट, क्योंकि यही पे एडजस्ट कर दी उसको। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का बोले हैं तो फर्नीचर पे टिक मार्क आ जाएगा। देन स्टॉक का बोले हैं नाम, तो स्टॉक पे टिक मार्क आ जाएगा। एंड क्रेडिटर्स का नेम बोले हैं तो क्रेडिटर्स का टिक मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी रीडिंग्स हो गई। प्रिपेयर करने को बोले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, एंड बैलेंस शीट बना दो, ठीक है। तो देखते हैं मैंने अकाउंट्स किस तरह बनाए, आपको भी वैसे ही बनाने हैं। पहले तो मैं बोलूंगा आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स, पहला अकाउंट बन गया ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। देन दूसरा आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे मैंने किया है दीपक संदीप एंड शंकर, दीपक संदीप एंड शंकर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मैंने बैलेंस ब्रॉडन पहले से ही लिखा है क्योंकि मुझे पता है ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का यही लिखना है क्रेडिट साइड में। ये दो अकाउंट्स हो गए। अभी तीसरा अकाउंट आएगा, नए पेज पे मैंने बनाया बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट यहाँ पे लिखा है एज ऑन 1 अप्रैल 2012 देखो, ओके। ये लायबिलिटी साइड और ये असेट साइड, एंड उसके नीचे मैंने बनाया एक छोटा सा कैश बैंक अकाउंट। तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पे बैलेंस लिखा है क्योंकि मुझे पता है कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहीं पे लिखा शायद। तो इस तरह से मैंने अकाउंट्स बना के रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। आपको स्टेप्स पता है, मैं स्टेप्स एक बार आपको और दिखाता हूँ। हमें पहले एसेट पोस्ट करना पड़ेगा। एसेट में बनेंगे तीन पार्ट, पहला कैश बैंक जो जाएगा कैश बैंक में, देन रिमेनिंग असेट जो जाएंगे असेट्स में, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो पार्टनर्स के डेबिट में लिखना है अगर असेट साइड में हुआ तो। यहाँ पे तीनों स्टेप्स मिल रहे हैं हमें ये प्रॉब्लम में। तो देखो पोस्टिंग किस तरह से बनेगी। पहले नाम मैं ढूंढूंगा पहली स्टेप का कैश बैंक, यहाँ पे 3,000 बैलेंस दिखता है तो मैं कैश बैंक कहाँ पे लिखूंगा, यस कैश बैंक में। मैंने कैश बैंक में ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस बना के रखा है बैलेंस का, और मुझे यहाँ पे 3,000 लिखने है, तो मैं यहाँ पे 3,000 लिख देता हूँ, ओके। वेरी गुड, पहली स्टेप हो गई। क्या आपकी हो गई?
वेरी गुड। अभी सेकंड स्टेप, जो रिमेनिंग असेट पोस्ट करने, रिमेनिंग असेट्स देखो कितने हैं हमारे पास, बिल रिसीवेबल, मशीनरी, लूज टूल, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इतने सारे हैं, ठीक है, 3 और 3 6। तो 6 असेट्स हमें लिखने हैं एसेट्स में, जिन पे टिक मार्क है उनको इनर कॉलम में, जिन पे टिक मार्क नहीं उनको आउटर कॉलम में। आपको तो पता है अभी, हाँ अभी तो आदत बनानी पड़ेगी इसकी, टिक मार्क है और टिक मार्क नहीं है। बिल्स रिसीवेबल 1000 रुपीज लिया है, तो मैं एसेट्स में लिखूंगा बिल रिसीवेबल, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, देखो मेरी असेट साइड यही है, रिसीवेबल टिक मार्क नहीं है, मैं आउटर साइड में आउटर कॉलम में 1000 रुपीज लिख दिया है। आगे मशीनरी, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे मशीनरी, ओके कितना है 5000, तो यहाँ पे आएगा एसेट्स में मशीनरी 5000 एसेट्स में लिख दिया, वेरी गुड, मेरे साथ पोस्टिंग करते रहो। लूज टूल तीसरा एसेट्स है, वो भी वहीं पे जाएगा, सब एसेट्स यहीं पे आते हैं, लूज टूल्स ओके कितना है 4000, वेरी गुड, ये पोस्टिंग हो गया। अभी फोर्थ वन, उसके नीचे क्या दिया, फर्नीचर, जिसपे टिक मार्क है, टिक मार्क है फर्नीचर, फर्नीचर टिक मार्क है, अमाउंट है 3000, लिखना है इनर कॉलम में और लाइन छोड़नी है, वेरी गुड। देन आगे जाएंगे स्टॉक, टिक मार्क है, अमाउंट 6000, तो स्टॉक को भी लाइन छोड़नी पड़ेगी, इनर में लिखना पड़ेगा स्टॉक, ये देखो 6000 लिख दिया, एक लाइन छोड़ दी, वेरी गुड। देन डेटर्स, पहले से अमाउंट लेस करके लिए, 24 लिखनी है हमें, 6000 मैंने लेस किया, कहाँ से लाए पता है ना, जनरल रिजर्व के 50% आरडीडी है, एडजस्टमेंट सेकंड में बोले थे 50% जनरल रिजर्व इज टू बी रिटर्न एज अ आरडीडी, तो जनरल रिजर्व के 50% आरडीडी है जो डेटर्स में लेस होने जरूरी है, तो डेटर्स में इसे लेस करके डायरेक्ट लेने के 24000, तो यहाँ पे 6000 ही बचेंगे रिजर्व में, तो 24000 पोस्ट करना है डेटर्स में, आउटर में टिक मार्क नहीं है उस पर, सो डेटर्स यहाँ पे 24 ओके। देन अब क्या बचा, सब एसेट्स हो गए ना 6 के 6 ओके, तो पहला स्टेप कैश बैंक पोस्ट किया, रिमेनिंग असेट्स पोस्ट किए, तो अभी क्या पोस्ट करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे जाएगा पता है ना, प्रॉफिट हो या लॉस हो पार्टनर्स का होता है, अगर एसेट्स में है तो डेबिट में जाना पड़ेगा, लास्ट प्रॉब्लम में क्रेडिट में था तो हमने क्रेडिट में लिख दिया था, पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस, अभी वो डेबिट में है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट साइड में आता है यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितनी अमाउंट देनी है देखो एक बार, 3000 देनी है, और पार्टनर्स कितने हैं जो बैलेंस शीट में है उनको ही देना है, दीपक एंड संदीप उनको ही देंगे, उनका ही प्रॉफिट एंड लॉस है उनको ही देना पड़ेगा, तो जो बैलेंस शीट में उनको ही देना पड़ेगा, तो उनका रेशियो क्या है 2:1 ओके, मैंने पहले से डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं, मैं ओनली डिस्कस करूंगा, 3000 रेशियो 2:1 यानी 2/3, 1/3, तो पहले 2/3 पहले पार्टनर को जाएगा, 3 और 3000 डिवाइड किया तो 1000 × 2000 आएगा, और 3000 1000 आएगा डिवाइड करने के बाद, एंड 1000 मिला, डिवाइड करके देखना है तो आप देख सकते 1000 × 1 1000 × 2000 अमाउंट एंड 1000 अमाउंट, तो दो पार्टनर्स में जाएगी 2000 और 1000 अमाउंट यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेप हो गई, इस तरह से एसेट पोस्टिंग क्लियर हो गया तीनों स्टेप में, ठीक है। अभी हम देखेंगे लाइबिलिटी पोस्टिंग, लाइबिलिटी में पहले क्या पोस्ट करते हैं, स्टेप्स अगेन देखने हैं आपको, मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, देखो पहले कैपिटल पता है कैपिटल में लिखना है, वेरी गुड, रिजर्व्स वो भी पता है कैपिटल में लिखना है, वेरी गुड, रिमेनिंग लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में तीन स्टेप है, अभी वो तो याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि बार बार वही स्टेप्स आएगी आपके सामने, तो कैपिटल बैलेंस आप पोस्ट करोगे कैपिटल में 20 और 50 ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ कैपिटल्स में, बैलेंस पहले से लिखा है, दीपक का 20000 एंड संदीप का 15000 ओके, बैलेंस लिख दिया कैपिटल का, अभी उसके बाद क्या करेंगे, जनरल रिजर्व पोस्ट करना है, कितना 6000, 12 क्यों नहीं, क्योंकि पहले से बोला था 50% ही दे सकते हो, तो ओके 6000 जनरल रिजर्व के हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जनरल रिजर्व कहाँ पे लिखना है, यस पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में ना, जनरल रिजर्व यहीं पे जगह है उसमें, तो 6000 देने मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके रखे, आप यहाँ पे देख लो 6000 × 2/3 और 1/3 3 से डिवाइड किया तो 2000 बनते हैं, 2000 × 2 4000, 2000 × 1 2000, तो 4000 2000 इस तरह से 6000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए,
लिखेंगे कहाँ पे, दो पार्टनर्स में, 4000 एंड 2000। ओके, अभी लाइबिलिटीज की कितनी स्टेप्स हो गई, कैपिटल पोस्ट किया राइट, जनरल रिजर्व पोस्ट किया राइट, दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप रिमेनिंग लाइबिलिटी, दो लाइबिलिटी रहती है तो ये दोनों लाइबिलिटीज पोस्ट करनी पड़ेगी लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर्स पे टिक मार्क है एंड बिल्स पे पर। तो लाइबिलिटीज यहां पे देखो, तो यहां पे लिखते हैं ओके। देखो तो क्रेडिटर्स 6000 अमाउंट है एंड एक लाइन छोड़ दी इनर में टिक मार्क है इसके लिए, एंड बिल्स पेबल जिसपे टिक मार्क नहीं है बट यस आउटर में जाएगा 2000। इस तरह से पोस्टिंग हो गई ओके। तो बैलेंस शीट पोस्टिंग हमने पूरी कर दी है, अभी हमें पोस्टिंग करने हैं एडजस्टमेंट्स की। देखो इजी है, वही एडजस्टमेंट्स बार बार आपके सामने आएंगे। सबसे पहले आएगा आपके सामने कैपिटल लाने का एडजस्टमेंट। कैपिटल आया यानी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कैपिटल लाना यानी क्या लाना है, कैश, और कैश आने पे एंट्री जाता है कैश बैंक के डेबिट में। तो 6000 कैपिटल का और गुडविल मिला है साथ में 3000, तो पहले कैपिटल का एंट्री रहता है 6000 का कैश में। देखो तो कैश में जाके लिखेंगे अभी हम कैपिटल लाए कितना, 6000 रुपीज का अमाउंट लिख दी, और कौन कैपिटल लाया, नया पार्टनर जिसका नाम है शंकर, शंकर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अभी एंट्री आपको पता है एडजस्टमेंट के दो एंट्रीज देने पड़ते हैं, कैश बैंक में डेबिट में लिखा है तो कैपिटल में क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, तो कैपिटल क्रेडिट इधर है, तो जिसने लाया उसके नाम में जाएंगे, शंकर ने लाया था तो शंकर के नाम में जाएंगे 6000। नाम क्या लिखेंगे, यस अपोजिट नाम लिखते हैं, याद रखो कैश बैंक में कैपिटल नाम लिखा था तो कैपिटल में कैश बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कैश बैंक लिख देता हूँ। इस तरह से कैपिटल लाने की एंट्री तो हो गई, साथ साथ उसने गुडविल भी लाया है, कितना लाया है 3000, गुडविल लाना यानी भी कैश ही लाना है, नए पार्टनर अगर लाते हैं तो कैश में ही गुडविल आता है 3000, तो यहाँ पे गुडविल का नाम लिखेंगे। और गुडविल की नए पार्टनर लाने की एंट्री जो है वो क्या है पता है ना, जैसे ही गुडविल कैश में आएगा वैसे ही ओल्ड पार्टनर्स को बांट देने का, जैसे ही गुडविल नया पार्टनर लाता है कैश में वैसे ही ओल्ड पार्टनर्स तुरंत अपने अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय गुडविल, केस वन है ना, कितनी अमाउंट देनी है 3000 दोनों पार्टनर्स में, तो मेरे पास ऑलरेडी 3000 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, 2000 एंड 1000, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं 2000 एंड 1000, गुडविल वाली एंट्री हो गई, पहले एडजस्टमेंट ओके। और वहां पे बोला है विच इज टू बी रिटर्न इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस में रहेंगे, कोई विड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है कोई घर पे नहीं लेके जाएगा, तो यहाँ पे गुडविल का एंट्री स्टॉप होगा। ये तो ओनली 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ये नोट दिए, इसका कुछ इफेक्ट नहीं है तो ये इग्नोर कर दो। 50% ऑफ जनरल रिजर्व ये ऑलरेडी यहाँ पे किया था तो अभी उसको वापिस करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करो, ठीक है डेप्रिशिएट यानी कम करना, तो फर्नीचर में जाएंगे, फर्नीचर यहाँ पे है ओके। कितना डेप्रिशिएट करना है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 10% कितना होगा 300, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। डेप्रिशिएट किया यानी कम किया है, एसेट की वैल्यू कम होना यानी लॉस, और आपको पता है एडजस्टमेंट में आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे लिखते हैं, अगर एडजस्टमेंट से प्रॉफिट मिला तो क्रेडिट में जाएगा यहाँ पे, और एडजस्टमेंट में लॉस मिला तो यहाँ पे जाएगा। अभी फर्नीचर की वैल्यू 300 से कम हो गई है तो ये लॉस है, और लॉस डेबिट में लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू फर्नीचर कितनी अमाउंट 300। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे क्या है, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस एट रूपी 7000, स्टॉक की वैल्यू 7000 से कम की है ओके, 7000 तक कम की है ओके। वंस अगेन दी माई मिस्टेक, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट रूपी 7000, स्टॉक की वैल्यू 7000 चेंज की है, पूरी वैल्यू 7000 की है ठीक है। तो अभी है कितनी देखते हैं, एसेट्स में कितनी लिखी है, अपने 6000 लिखी है, पूरी वैल्यू ही बदल दी तो बाहर गई। अभी आप बता दो ऑब्जर्व करके, वैल्यू बढ़ी या कम हो गई, यस बढ़ी है, इंक्रीज हो गई 1000, रीवैल्यूड बोलेंगे। और अगर वैल्यू बढ़ती है तो ये प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, एसेट की वैल्यू बढ़ना यानी प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट यहां पे लिखा जाएगा क्रेडिट में,
बाय स्टॉक, कितना बड़ा उतना ही लिखेंगे, 1000, 7000 नहीं, 1000 बड़ा है, इंक्रीज हुआ 1000, तो 1000 का एंट्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी लास्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स का 1000 रुपीज है एंड नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर्स में रिटर्न ऑफ कर दो नहीं लेस कर दो, कितना 1000, तो क्रेडिटर्स यहां पे लिख दिए, सो लेस राइट ऑफ 1000 रुपीज, तो कितने आएंगे 5000, क्रेडिटर्स कम हो गए यानी लाइबिलिटीज कम हो गए, और लाइबिलिटीज कम होना प्रॉफिट है, पहले 6000 देने पड़े थे बट नहीं दिए, तो बाद में क्रेडिटर्स बोले 1000 रुपीज आपको छोड़ दिया, तो कितना बचा 5000, इसका मतलब 1000 रुपीज प्रॉफिट हुआ ना अपना, तो फिर ये प्रॉफिट हमें लिखना है यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज कम होना प्रॉफिट है हमारे लिए और हम यहाँ पर लिखेंगे, ओके। तो इस तरह से एडजस्टमेंट्स पूरी होगी। अभी अभी करने क्लोजिंग, तो अभी देखो वन बाय वन अकाउंट्स कैसे क्लोज करेंगे, तो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड में है 300 और क्रेडिट साइड में 2000, तो आपको से ये ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2000, यहाँ पे लिखता हूँ 2000, और लेस करने के बाद मेरे पास बचेंगे 1700, जिसे मैं नेम दूंगा यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं? दो, दीपक एंड संदीप, दीपक संदीप 1700 देने हैं रेशो में, ठीक है। सो 1700 किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं देखो यहीं पे कर देता हूं, 1700 रेशियो है 2/3 और 1/3, शायद ये पॉइंट में जा सकता है, कोई बात नहीं, 3 5 15, ओके कितने बचे 2, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 3 6, पॉइंट में गए, 1 से इंटू करने के बाद उतने ही आएंगे यानी 567, और 2 से इंटू करने के बाद कितने आते हैं, 2 6 12 2 6 12 and 1 13, कैरी 1, 2 6 12 and 1 13, कैरी 1, पॉइंट दिया, 2 6 12 and 1 13, कैरी 1, 13 and 11, 11 33, कैरी के दोनों की टोटल उतनी आएगी, 7 and 3 0, कैरी 1, 7 and 3 0, कैरी 1, तो दोनों की टोटल उतनी आती है, तो 1 1 3 3 and 5 6 7, तो ओके अमाउंट मिल गई मुझे 1 1 3 3 5 6 7, ओके। तो ये अमाउंट चाहिए कहाँ पे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में है, ओके। तो अगर डेबिट में है तो फिर हम किस तरह से एंट्रीज पोस्ट करेंगे, कैपिटल लिखा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा इधर, ओके। क्या लिखेंगे, बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कितनी 1 1 3 3 and 5 6 7, ओके। तो क्या अभी यहाँ की टोटल होगी, वो तो अकाउंट क्लोज हो गया, इधर ए साइड में छोटे छोटे अमाउंट्स है 2000 1000, पहले ये लेते हैं 6000 है, 6000 ऊपर डैश है मतलब कुछ भी नहीं, लेस करने के लिए 6000 बैलेंस, ये देखो 15000 2000 1000 कितने हो गए 17 18, 18,567, उसमें से ओनली 1000 लेस करने हैं, तो कितने बचेंगे 17,567, ओके वेरी गुड। अभी यहाँ पे देखो 20,000 4000 and 2000, 20 and 24 26 and 127,133, इसमें से ओनली 2000 लेस करने हैं ऊपर वाले, तो हम 2000 लेस करेंगे इसमें से ये और बचे हुए यहाँ पे लिखेंगे, तो 25,000 आएंगे 133, वैसे इसे हम बोल देंगे क्या बैलेंस, क्या बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में पहले से ही प्लेस बना के रखा है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में यहीं पे बना के रखा है कैपिटल। तीन पार्टनर्स के नेम आएंगे, पहला पार्टनर दीपक, दूसरा पार्टनर संदीप,
तीसरा पार्टनर नया है ना, वो शंकर। ओके, दीपक का बैलेंस देखो 25,133, मैं यहाँ पे लिखूंगा 25,133। संदीप का बैलेंस 17,567, तो 17,567। और शंकर का बैलेंस 6,000, तो 6,000 लेंगे यहाँ पे, और टोटल करके यहाँ पे आएंगे 7,730 carry 1, 2 and 5 7, 7 5 12 and 6 800 carry 1, 48 700 आ गए। ओके, अभी हमें करनी है कैश बैंक की क्लोजिंग। तो कैश बैंक में कितना टोटल है, ये साइड में ही, इधर है ही नहीं है, तो यही साइड आएगा टोटल में 12,000 यहाँ पे, तो ये आएगा 12,000। तो ऊपर कुछ नहीं है तो वही बैलेंस आएगा जो टोटल है, वही बैलेंस है, लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कौन से अकाउंट का है, कैश बैंक का है, और कैश बैंक आपको पता है एसेट होती है, तो हम एसेट में लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट। कितना 12,000 मिला, 12,000 देखो, तो 12,000 यहाँ पे लिखेंगे। अभी एसेट साइड क्लोज करनी है। ओके, एसेट का आउटर कॉलम एंड लाइबिलिटीज का आउटर कॉलम, ये दोनों क्लोज करने हैं, टोटल करनी है। तो देखते हैं, मैं ये साइड करता हूँ, ये साइड तो छोटी है, ये साइड पहले करेंगे। ओके, सो पहले तो हंड्रेड्स में 700 ही दिख रहे हैं, बाकी थाउजेंड्स प्लेस के नंबर है 1 and 5, 6 and 4, 10 and 2, 12, 12 and 7, 19, 19 and 4, 23, 23 and 2, 25, carry 2, 2 4 and 5, 55, 700 यहाँ पे आ गए टोटल। यहाँ पे देखते हैं, ये 700 ये ऐसे ही आ गए, 2 and 5, 7 and 8, 15, carry 1, 55, 700, और इस तरह से दोनों साइड्स टैली हो गए। ओके, और हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप आप भी एंट्री पोस्ट करोगे और क्लोजिंग करोगे, ठीक है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हो बाद में। ओके।